इसमें ज्यादा कसूरवार आप नहीं है, कसूर मेरा है। मैं बॉक्स से दूर हुआ तभी तो वो करीब हुआ। पुलिस आई है। सब खैरियत है बेटा? आप सारे अंकल के घर चोरी हुई है। क्या सब खैरियत तो रही? जी जी सब खैरियत है, कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, सामान लेके गए हैं। मैंने तो आपको तभी कह दिया था जब गोली चलने की आवाज आई। बस एक कदम भी मत बढ़ाना इसकी तरफ, उसने कह दिया ना उसके पास और जेवर नहीं है। अगर बीच में से तुम नहीं हटे तो पहला गोली तुम पे चलाऊंगा मैं। हाँ तो चलाओ, सोच क्या रहे हो? मेरा 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 प्लीज तुम हट जाओ, वो वाकई गोली चला देगा। नहीं चलाएगा गोली, क्योंकि इसे गोली चलाने का कहा ही नहीं गया होगा। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं मर जाऊंगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा। मेरा प्लीज प्लीज आगे से हट जाओ, वो वाकई गोली चला देगा प्लीज। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हट रहे हो या नहीं? मेरा तुम्हें कैसे पता चला कि शादी 3 दिन बाद है? उस दिन बैंक के बाहर भी तुम ही मौजूद थे ना? अगर वो ये सब दिखावे के लिए कर रहा है तो मेरे लिए जान क्यों दे रहा था? सही तो कहता है, कितना दुख होगा बाबा को, सब लोगों का दिल टूट जाएगा। मैं गलत करने जा रही हूँ, एक बार हुनैन से बात करके कुछ और सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। अम्मा सच कह रही थी, हुनैन फरिश्ता है, हमारे घर रहमत बनकर आया। वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये लड़का उस दिन होता जिस दिन समरीन वाला वाकया हुआ ना, तो मैं मेहराब की जगह बख्त की शादी इससे करवा देता। निकाह करते ही हम फौरन घर वापस आ जाएंगे। बख्त तुम खामखा परेशान हो रही हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अंकल मुझे पसंद करते हैं, वो हमें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। बहुत पसंद है आपको हुनैन। हाँ अब क्या हो सकता है। अब कोई चारा नहीं, जैसे मेरी बेटी के नसीब। मतलब ये चोरी भी हुनैन और उसके अब्बा ने करवाई है? यार, मेरा मेरे ख्याल से तुम्हें आप सार अंकल से बात करनी चाहिए, मामला काफी संजीदा हो चुका है। एतबार नहीं करेंगे वो मेरा। अरे यार क्यों नहीं करेंगे भाई, तुम्हारा दोस्त बनकर आया, तुम जाकर सब सच बता दो। एक बार बुरा बन चुका हूँ, झूठा नहीं बनना चाहता मैं। अरे, अरे भाई सब तुम्हारा एतबार करेंगे, तुम बस जाके कह दो सब कुछ। कोई मेरा एतबार करे ना करे, वक्त तो कभी मेरा एतबार नहीं करेगा। यार तो फिर ये कैसे रुकेगा? पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हुनैन की हकीकत एक दिन वक्त के सामने लाजमी खुल जाएगी। एक बात याद रखना, तुम डूबे ना तो अकेले नहीं डूबोगे, हम सबकी नैया तुम्हारे साथ डूबेगी। क्या सोचा तुम लोग? किस बारे में बड़े भैया? बीनिश और राफे के बारे में। उनको जवाब देना है, जवाब मांग रहे।
मेरी राय की कोई अहमियत है? ऐसा क्यों कह रहे हो? सब बातें अपनी जगह, मगर तुम बाप हो, और अगर तुम इनकार कर दोगे तो मैं अकेले तो कोई फैसला नहीं कर सकती ना। तो बात ठीक कर रही है, तुम्हारी बच्ची है, जो फैसला तुम करोगे वही फैसला हमारा होगा। वैसे एक बात कहूं, रिश्ता अच्छा है, लड़के में कोई बुराई नहीं है, और वैसे इस घर में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारे सामने है। बेटियों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते कफाई, देखो ना, मेरा आपने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद मैं अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर रहा हूं, तो कुछ सोच समझ के मैंने फैसला किया होगा ना। अभी तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो इनकार भी कर सकते हो, जवाब दे दो, जुबैर को बताना। मुझे कोई एतराज नहीं है बड़े भैया। क्या तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि एहसन की शादी भी वहीं हो जहां वो चाहता है। क्या क्या क्या? हाँ, मैं चाहता हूं कि एहसन की शादी साइमा से हो, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं भी यही चाहता हूं बड़े भैया। आपने सारी उम्र मुझे मेरे बच्चों समेत पाला, मेरे बच्चों पर मुझसे ज्यादा आपका हक, आप उनके बारे में जो भी फैसला करेंगे ना मुझे कबूल होगा। बस मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के नसीब अच्छे हों, मेरे बच्चों के नसीब से ज्यादा बख्त के नसीब अच्छे हों। अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन। परेशान हो क्या? तो फिर तुम्हारा रवैया इतना क्यों बदला हुआ? बुरा लग रहा हूं? नहीं, अच्छे लग रहे हो, मगर इतने कम अरसे में इतने अच्छे कैसे हो गए? बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनने में एक हादसे की जरूरत होती है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में वो हादसा हो चुका है। कैसा हादसा, क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब क्या मैं बदल भी नहीं सकता?
अक्का तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और तुम खुश रहो बस। मैं भी ना बड़े भैया की बात नहीं डाल पाई, साइमा के लिए हाँ करती। अच्छा किया। अम्मी अंदर आ जाए। आजो आजो आजो। थैंक यू अम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीती रहो जीती रहो। थैंक यू अम्मा। मैं तो बाल बाल बच गई। अगर घर में किसी को पता चल जाता ना कि चोरों के साथ मीसम भी आया है, तो मेरी खैर नहीं थी। और अब्बा तो मेरा खून कर देते। शुक्र है हुनैन वक्त पे पहुंच गया। कह तो आप सही रही हैं, पर आप ही आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब? क्या अजीब? मतलब फिल्मी हीरो की तरह उसका एंड टाइम पर वहां आना और फिर चोरों से लड़ना और फिर सामान वापस लाना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि हुनैन तुम्हें शुरू से अच्छा नहीं लगता। आप ही, वो मुझे शुरू से इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने हमेशा ही आपको लूटा है। मैं तो इतना खुश थी कि मेरा आप भाई आ गए, पता नहीं ये हुनैन बीच में कहाँ से टपक गया। अच्छा अच्छा, सॉरी ना, सॉरी प्लीज। एक आखिरी बात पूछूं आपसे? पूछो। माना कि आपको मेराब भाई बहुत बुरे लगते हैं, पर कोई एक तो बात होगी ना उनमें जो आपको अच्छी लगती हो, छोटी सही पर कोई तो होगी ना उनमें भी। हाँ है एक बात। क्या? मैं उसके इख्तियार में, मगर वो मुझे मेरी मर्जी से हासिल करना चाहता है। अगर मेरी मर्जी वो कभी हासिल नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो गई है। हेलो, मैं अपने कमरे में, मुझे भी बात करनी है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। कफी भैया, अब ये दिन आ गए हैं कि नजरें चुरा कर निकल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मीराब के पास जा रहा था। तुम गई नहीं कहीं बाहर तैयारी के लिए? कल मेहंदी है भाई। हाँ कल है मेहंदी, जल्दी क्या तैयार होने की। वैसे आपकी जहानत को दाद देनी पड़ेगी। किस बात की जहानत? और नहीं तो क्या, क्रिकेट से ज्यादा जल्दी रंग बदलते हैं आप। कितनी होशियारी से दोनों बच्चों की बात पक्की कर ली। दांत तो बनती है ना आपके दोगलेपन की, मिठाई नहीं खिलाएंगे? कभी कभी रंग बदल लेने चाहिए, लेकिन तुम्हें मिठाई जरूर खिलाऊंगा, बहुत कड़वाहट भरी हुई तुम्हारे अंदर। अच्छा
और वो सारी बातें जो आप मुझसे किया करते थे, याद है या याद दिलाऊं? सब याद है, भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी भूल जाओ तो अच्छा है। ये सब कुछ जितना आसान हम समझ रहे थे ना, उससे कई ज्यादा मुश्किल है। वक्त की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जहां तक मुझे याद पड़ता है तो वक्त की जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर तो आप ही लाए थे ना, याद है? कौन लेकर आया था वापस हुनैन को? मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, तुम भी सुधार लो तो बेहतर है। चलता हूं। सब सारे इंतजाम तो वैसे मुकम्मल हो चुके हैं और मेहंदी से पहले दोनों की मंगनियां भी हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भाई साहब, इम्तियाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इन्होंने बार्गेनिंग में तो कमाल कर दिया, यानी इनसे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। हमारी एक पाई भी ऊपर नहीं लगने दी है इन्होंने। वाह भाई। अरे अरे अदर भाई, क्यों आप बार बार शर्मिंदा करते हैं? किफायत के बच्चे तो मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। और बख्त तो है ही मेरी बेटी। अंकल वो सारे कार्ड दे दिए, बस आपके दोस्त मिर्जा साहब का घर मत पड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन पे दावत दे दूंगा। जी जी ठीक है अंकल। हाँ हुनैन, वो जुबैर भाई ने कहा था मीराब के कमरे की सजावट का, क्या हुआ? हाँ हाँ, वो डेकोरेशन वाला लाया हूँ, बस मीराब के घर जा रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ हाँ जाओ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके सलाम, ठीक है। ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, आपने कहा था कि आप मोहब्बत करती हैं और आपने ये भी कहा था कि समरीन मुझे धोखा दे रही, इस्तेमाल कर रही है मुझे, लेकिन मैं उस वक्त नहीं समझा था तो मैं समरीन की तरफ चलता चला गया। अब बाद में वही हुआ ना जो आपने पहले से बता दिया। ताल्लुक ये है कि आपकी जगह मैं हूँ और मेरी जगह आप। रोकना चाहता हूँ आपको, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गलती करें।
वैसे थोड़ा बहुत एहसास तो आपको होता ही होगा कि हुनैन आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझसे शादी कर रहा है। और आप शादी तो आप भी कर रही हैं ना, वैसे सही लगता है आपको सब कुछ? बक सब कुछ हो गया, सारा प्लान तैयार है, बस आज रात का इंतजार है। हुनैन मुझे ये सब सही नहीं लगता, हमें कुछ और सोचना चाहिए। कुछ गलत नहीं है इसमें बक, देखो मैंने काजी साहब से बात कर ली है, हम कल रात निकाह करेंगे, सब कबूल कर लेंगे, हमें यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात प्रॉब्लम की नहीं है, मैं अपने घर वालों को फेस नहीं कर सकूंगी। फिर तुमने मुझे पहले हाँ क्यों कहा? यार प्लीज बात को समझो, ऐसे घर छोड़कर आना मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे बाबा हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी कितनी बदनामी होगी, लोग बहुत बातें करेंगे। वक्त लोगों का काम है बातें बनाना, और मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ कि बीच मेहंदी से उठकर आ जाओ, मेहंदी करो, सुकून से घर जाओ, उसके बाद मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं, हम सुबह निकाह करके वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा यार, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ट्रस्ट मी। नैन मुझे सब सही नहीं लग रहा है। इसका मतलब तुम मेहराब से शादी करना चाहती हो, है ना? नहीं नहीं नहीं, यही मतलब है तुम्हारा? हुनैन नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम जो कुछ कहना चाह रही हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मत भूलो कि कसूरवार हो तुम मेरी, तुम्हारी वजह से मैंने दर दर के धक्के खाए यार, अब्बा का इलाज डिले हो गया तुम्हारी वजह से, इतना तमाशा क्रिएट किया यार, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, अब क्या दूसरी बार मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? नहीं हुनैन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया है, मगर मैं बाबा से नजर कैसे मिला सकूंगी? हम कल हर सूरत निकाह करें, तुम्हें कोई जरूरत नहीं अफसार अंकल से नजरें मिलाने की, मैं उन्हें फेस कर लूंगा बस। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किफायत, ये तुमने क्या किया? अब क्या किया है मैंने? तुम अच्छे से जानते हो तुमने क्या किया, एक बेटी के बाप हो कैसे किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने कानों से सुन चुकी हूँ और आंखों से देख भी चुकी हूँ, अरे कुछ तो सोच लिया होता, वो भी बड़े भैया की बेटी, तुम्हारे जिस्म पे पहने हुए कपड़े भी ना उन्हीं के पैसों के दिलाए हुए हैं, और तुम उन्हीं की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो। गलती हो गई मुझसे, मैं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। अब कौन सी गलती होगी बेचारे से, छोड़ दो इसे, बच्चों की शादियां करवा रहा। मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे ही पड़े भैया। ये क्या है बड़े भैया? ऐसे बेटी की
मंगनी कर रहे हो, काम आएंगे? नहीं नहीं बड़े भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अरे बीनिश भी मेरी बेटी है। जिस तरह मैं वक्त की शादी करवा रहा हूं, इस तरह तुम्हारे बच्चों की भी करवाऊंगा। शुक्रिया बड़े भैया, शुक्रिया। तुम जो कुछ कहना चाह रही हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। मत भूलो कि कसूरवार हो तुम मेरी। तुम्हारी वजह से मैंने दर दर के धक्के खाए यार। अब्बा का इलाज डिले हो गया तुम्हारी वजह से। इतना तमाशा क्रिएट किया यार, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अब क्या दूसरी बार मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? हम कल हर सूरत निकाह करेंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं अब सार अंकल से नजरें मिलाने की। मैं उन्हें फेस कर लूंगा। आपको तो खुश होना चाहिए, कल निकाह करिए ना। लेकिन आप तो परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होगी भी तो ऑब्वियसली आप बताएंगी का। डर है हुनैन से जुड़ी बात से। वैसे थोड़ा बहुत एहसास तो आपको होता ही होगा कि हुनैन आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझसे शादी कर रहा है। और आप? शादी तो आप भी कर रही हैं ना। वैसे सही लगता है आपको सब कुछ? कमाल है भाई। आज तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हुनैन के बारे में बात ना करो और आपने उसका बहुत नुकसान किया है। कितनी बार तो कह चुकी हूँ, बात तो तुम भी नहीं आते। मजबूर हूँ। बार बार आपका अच्छा करने की कोशिश की है लेकिन हर बार बुरा बन के आपके सामने आया। लेकिन आज भी वही कहूंगा जो शुरू से कहता आया। हुनैन ने मुझे सारी बात इसलिए बताई थी कि वो आपसे तंग आ चुका था। उसे ज्यादा पैसे वाली लड़की मिल गई। उसकी बताई हुई सारी स्टोरी झूठी है। बैंक के बाहर से पैसे उसने चोरी करवाए थे। घर में चोरी उसने करवाई थी। वो आपसे शादी करके आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। और जो तुमने मेरे साथ किया? एक बार खो चुका हूं, अब शिद्दत से पाना चाहता हूं। कल रात को गोली खाने को भी तैयार था इस गलती को सुधारने के लिए लेकिन अफसोस आपके हुनैन ने उसे गोली नहीं चलाने का कहा होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा ही किया।
आपको तो वो कन्विंस कर चुका है कि आप उसके एहसानों तले दबी हुई हैं। थोड़ा बहुत एहसान वो आपके घर वालों पे भी करना चाहता था ताकि कल को जब आपसे निकाह करे तो उसका एम एस सबकी नजरों में क्लियर हो। और मैं तो वैसे ही सबकी नजरों में बुरा बन चुका हूँ, तो उसका रास्ता साफ है। ये झूठ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चोरी उसी ने करवाई है? यही मसला है तुम्हारा। तुम खुद को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरों को इतना बुरा कहते हो, इतने गिरे हुए इल्जाम लगाते हो कि दिल ही नहीं चाहता कि तुम पर एतबार किया जाए। चली गई ये बेवकूफ लड़की, ऊपर ही तो आई थी। अरे वक्त बेटा। अंकल आप? हाँ बेटा, कल मेहंदी है ना, तो छत पे लाइटिंग मुझे कुछ कम लग रही थी, बस वही देखने ऊपर जा रहा था। अजहर भी आ रहा। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन घबराओ नहीं। इंसान को जिंदगी में कभी कभी बड़े फैसले करने पड़ते हैं, और यही बड़े फैसले इंसान को जिंदगी की सही संत तयन करने में मदद देते हैं। जी अंकल। मैं अपने बच्चों के साथ हूं, किसी बात की कोई फिक्र मत करना। नैन थोड़ा जज्बाती है, लेकिन वो बहुत चाहता है तुम्हें, और तुम्हें खो देने के ख्याल से वो आपे से बाहर हो जाता है। अगर गुस्से में उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो मेरी खातिर उसे माफ कर देना। लेकिन अंकल, आप कैसे जानते हैं कि नैन ने मुझे कुछ कहा है? बेटा उसका और है ही कौन, एक तुम और एक मैं। मैं भी अल्लाह जाने कब तक हूं। तुमसे दूर जाने के ख्याल से वो बिलक सजाता है, इसीलिए उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। इसे माफ कर दो बेटा। जी। जाओ बेटा, अब तुम आराम करो। कल तुम्हारे लिए एक बहुत अहम दिन है, और देखो दिल में कोई ऐसी वैसी बात न लाना। मैं हूं ना। अम्मी आप तो अकेली हो जाएंगी, एक दिन तो पुनः तो आप अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन क्यों नहीं देती हैं? कराची आ जाएंगी तो मैं भी आपके पास होंगी। तुम नए रिश्तों में बनने के बाद इतनी मसरूफ हो जाओगी कि मैं तुम्हें कहाँ याद रहूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ हैं आप मेरी, आपको कैसे भूल सकती हूँ। बेटे ये तुम्हारी मेहंदी का जोड़ा और ये कुछ सामान है मेरी तरफ से। थैंक यू आंटी।
थैंक यू मत कहो, ये तो कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक ही बेटा है, इतना भी नहीं करूंगी क्या? मेरा भी जोड़ा आया है, बिना आप ही ने भेजा। चलो दिखाओ तुम। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। साहिबा, मैं जानती हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, मगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुमने भाभी के कहने पे हाँ कर दी और मैंने बड़े भैया के, मगर मैं खुश हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि साइमा को हमेशा खुश रखूं। ताल्लुकात अच्छे नहीं थे मगर अच्छे हो तो सकते। मुझे हमदर्दी है आपसे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं तुम्हारी हमदर्दी का? मुझे बेचारी बनाकर, तरस खाने के लायक बनाकर छोड़ दी। एक भेड़िए के चुंगल में फंस गई थी, तुमने मुझे वहां से निकाला। तुम एक अच्छा इंसान समझती थी, मुझे क्या पता था कि तुम खुद एक कसाई हो जो वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देगा। उन्हें तुम्हें बताया था कि मुझसे शादी नहीं कर सकता? उधर क्या देख रहे हो? जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। ना बताया था। तुम इतने टाइम से सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, अपने इशारों पे नचवा रहे थे। मैं तुम्हें एक सच्चा इंसान समझकर तुम्हें पसंद करने लगी थी, तुम शर्म मांगनी चाहिए। बस एक कदम भी मत बढ़ाना इसकी तरफ। उसने कह दिया ना उसके पास और जेवर नहीं है। अगर बीच में से तुम नहीं हटे तो पहला गोली तुम पे चलाऊंगा मैं। हाँ तो चलाओ ना, सोच क्या रहे? मेरा मेरा प्लीज तुम हट जाओ, वो बाकी गोली चला देगा। नहीं चलाएगा गोली, क्योंकि इसे गोली चलाने का कहा ही नहीं गया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं मर जाऊंगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा। बस मैं बता रहा हूँ। Say